ईशा, ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये किस ढंग के कपड़े पहने हुए तुमने? लज्जा नहीं आती तुम्हें? अरे कपड़ों के बारे में राय देने वाले तुम कौन हो? आज के बाद तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, लीव मी। छोड़ो मुझे। फैशन के नाम पर बेडी गॉन्ग प्रदर्शन करने की आज्ञा देने वाले बापत बनो। बेडी जवान होने से पहले ही दुनिया को दिख जाती है, उसे उछाल उछाल कर पूरे संसार में बताने की आवश्यकता नहीं, समझे? मगर तुम हो कौन? पंडित। तुम्हारे नाम से गुंडे डरते होंगे, पुलिस खौफ खाती होगी, पर मुझे अपने नाम का दहशत मत दिखाओ। तुम हो कौन जो जबरदस्ती मेरा लाइफस्टाइल बदलने चले आए? निशा, तुम्हें अपने जीने का रंग ढंग बदलना होगा। तुम सिर्फ मेरे कपड़े पहनने का ढंग बदल कर दिखाओ, जीना मरना तो बहुत दूर की बात है। मेरा जो जी चाहेगा मैं वही करूंगी, जो जी चाहेगा मैं वही पहनूंगी। मैं ये पहनूंगी, मैं ये भी पहनूंगी, मैं ये सब पहनूंगी। क्या कर लोगे तुम? आइंदा ढंग के कपड़े पहनना, समझी? निशा बेटी, पापा, मैं सिद्धार्थ से शादी करूंगी। हफीज, निशा के लिए कुछ ढंग के कपड़े लेकर आओ। निशा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम अपनी शादी का फैसला जल्दबाजी में ले रही हो? बिल्कुल नहीं, सिद्धार्थ को मैं बचपन से जानती हूँ। तुम सिद्धार्थ को बचपन तक जानती थी, पर आज की तारीख में ना तो तुम उसे अच्छी तरह से पहचानती हो, ना ही तुम्हारे दिल में उसकी कोई जगह है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन दीक्षित से दूर जाने के लिए तुम ये शादी कर रही हो? स्टॉप योर लेक्चर इमरान, मैं सिद्धार्थ से शादी करूंगी। तुम्हें बुरा लग रहा है तो शादी में मत आना। क्या हुआ, निशा को ये कपड़े पसंद नहीं आए? ना ताला लग रहा है उसके घर पे। आसपास के लोगों ने बताया उसकी शादी होने वाली है। शादी? शादी? पता करो धरती के किस हिस्से में उसका मंडप बना है। ओम श्री चती लक्ष्मी च पत्या बहुरात्रि पार्श्वी नक्षत्राणि रूपमसि नौ व्यातम कृष्णानि खाय। तुमने ये सोचा भी कैसे कि किसी और के साथ फेरे लोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? ऐसे काम के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इरादा होना चाहिए। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। ईशा, रोको गाड़ी। तुम्हें मुझ पर इतना क्रोध क्यों है? गाड़ी रोको। इसलिए कि मैंने तुम्हारे कपड़े जला दिए थे?
अच्छा तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा प्रेम तुम्हारी रक्षा करेगा। यहाँ चारों तरफ गोलियां चल रही हैं और तुम अपनी प्रेम कहानी सुना रहे हो। अब पंडित कन्या का हरण करेगा तो गोलियां नहीं चलेंगी तो क्या फूल बरसेंगे? गाँव में दिशा, अगर तुम्हें मिलती आएगी तो उसे मैं अपने गले लगा लूंगा। इंस्पेक्टर, अपने अपने शस्त्र नीचे फेंक दो वरना ये निर्दोष लड़की मारी जाएगी। तुम कानून से बहुत खिलवाड़ कर चुके हो पंडित, हथियार डाल दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बेवकूफी की बातें छोड़ो इंस्पेक्टर, अपने शस्त्र फेंक दो। आप गोली चलाइए इंस्पेक्टर साहब, ये चाहकर भी मुझे गोली नहीं मारेगा। यदि इस लड़की की बात का विश्वास है इंस्पेक्टर, तो गोली चलाओ और साथ में उसका परिणाम भी देख लो। गोली चलाओ इंस्पेक्टर, मेरी बात मानो, गोली चलाओ, ये मुझे नहीं मारेगा, ये मुझे कभी नहीं मारेगा इंस्पेक्टर साहब। हफीज, इंस्पेक्टर निशा को उसके घर पहुंचा देना। निशा मैं चलता हूं, तुम्हें विवाह करने की जल्दी है तो मुझे भी विवाह की तैयारी में थोड़ा वक्त लगेगा। माफ करना इंस्पेक्टर, हम तुम्हारी गाड़ी ले जा रहे हैं, जितनी जल्दी हो सकता वापस कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब ये ठीक कह रही थी, मैं चाहकर भी निशा पर गोली नहीं चला सकता। अब ये तो अपनी गाड़ी लेके भाग गया। तुझे गाड़ी की पड़ी, अबे गाड़ी तो वापस आ जाएगी। ये पंडित हमारे हाथ से निकल गया। पंडित के साथ पुलिस वालों का एनकाउंटर होता है और पंडित उस एनकाउंटर में बच जाता है, ये बात मेरी समझ में नहीं आता। ये साला पुलिस वाला जब झूठा एनकाउंटर करता है तो गुंडा मारा जाता है और सच्चा करता है तो बच जाता है। पंडित ने तुम्हारी शादी रोक के बड़ा नेक काम किया है निशा। इमरान स्टॉप लाफिंग, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी शादी नहीं होगी, एक से एक अच्छा लड़का मिलेगा दुनिया में। लेकिन यकीन मानो, जब तक पंडित की सांसें चल रही हैं तब तक वो तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने देगा। अगर ये बात है तो मैं उसे ये मौका ही नहीं दूंगी। इमरान, मैं इस जन्म में शादी नहीं करूंगी। नाइस टू मीट यू लेडी भीष्म पितामह। देखो पंडित, तड़प तड़प के मरना है तो धारदार हथियार मार लो, थोड़ी तकलीफ के लिए गोली, और अगर इत्मीनान से ऊपर जाना है तो सैनाट का कैप्सूल काफी है। मतलब जैसे चाहो अपनी खुशी से खुदकुशी कर लो, लेकिन भैया अपने साथ साथ हमें आत्महत्या करने पर मजबूर मत करो। सीधी बात करो हल्दी भाई, हम लोग फांसी नहीं चढ़ना चाहते पंडित, ना पुलिस की गोलियों से मरना चाहते। तेरी उस लोंडिया के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे।
पंडित, पंडित उसे छोड़ दो, पंडित उसे छोड़ दो। निशा और मेरे बीच में अगर कोई भी आएगा, उसे आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसकी हत्या कर दूंगा, फिर वो हल्दी भाई क्यों ना हो। आग में तेजाब डालता है, आज तेरी वजह से मुझे भी खरी खोटी सुननी पड़ी। चल इधर। इस तरह मुझे मारने से आने वाला खतरा नहीं टल जाएगा हल्दी भाई। हमारे यहाँ लोंडियों की भरमारे जो पंडित की गर्मी संभाल लेंगी, वरना आज शिवा गया है तो कल हम भी जाएंगे। मेरी राय है इस लोंडे को खत्म कर दिया जाए। घर के दिए से कुनबे को फुकवाने का बंदोबस्त मत कर बेटे। उस लड़की की वजह से पंडित हमारे साथ है, इसलिए पंडित को अपना साथ रखना है तो उस लड़की को भी जिंदा रखना है। रही बात शिवा की, उसका तोड़ भी हल्दीराम के पास है। शिवा के अरेस्ट से हल्दीराम, पंडित वगैरह के बारे में हमें काफी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये तब हो सकता है जब शिवा उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे। डोंट वरी सर, स्पेशल टास्क फोर्स के इंटरोगेशन में वो सब कुछ बग देगा। वैसे शिवा है कहाँ इस वक्त? मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसके रिमांड एप्लीकेशन की सुनवाई हो रही है।